अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बाबर आजम ने क्रिस गेल और विराट कोहली का T20 में तेज तरीन 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ डाला। इस पर इंडियन मीडिया का रिएक्शन क्या था, आइए चलते हैं वीडियो के। सामने आया है बाबर आजम ने वहां पर क्रिस गेल इवन विराट कोहली जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। इज द फास्टेस्ट टू 10,000 T20 रन। 10,000 सबसे ज्यादा तेज रन बनाने वाले वो जो है दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आजम का जो है आज एक माइलस्टोन उन्होंने अचीव कर लिया है, फास्टेस्ट टू 10,000 T20 रन। ओवरऑल T20 रन, चाहे फ्रेंचाइजी क्रिकेट और आप इंटरनेशनल क्रिकेट को सारा एग्रीगेट करके जो आंकड़ा सामने आया है, बाबर आजम ने वहां पर क्रिस गेल इवन विराट कोहली जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। इज द फास्टेस्ट टू 10,000 T20 रन। बाबर आजम भी मॉडर्न डे इज वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स। T20 इंटरनेशनल्स में बायलेटरल्स में देखा जाए बाबर आजम की बड़ी बड़ी पारियां हैं, बड़े बड़े मैचेस इन्होंने जिताए बनाए हैं। जो इनकी करियर T20s का करियर है 271 मैचेस, 10,000 से ज्यादा रन हैं जो कि फास्टेस्ट हैं। वो विराट और क्रिस गेल से आगे हैं, वो फास्टेस्ट टू 10,000 T20 रन में 43.95 की उनकी औसत है। जो अगर PSL की आपको बताऊं तो वो औसत करीबन 45 की है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। बाबर पे इल्जाम लगाना ना थोड़ा गलत होगा। देखो फेयर उनके साथ भी रहना पड़ेगा, फेयर होके बात करनी पड़ेगी। मैं कंपैरिजन की बात अलग थी, लेकिन बाबर आजम के लिए स्पेसिफिकली आज के मैच की बात करूं, उनकी मुझे यहाँ पे कोई गलती नहीं लगी। अगर सामने से बैटर आउट होते जाएंगे, स्ट्राइक रेट वो भी अपनी कर पाएगा, उसको पता था उसे 20 ओवर तक टिकना है, वरना उसका कुछ नहीं होगा, वरना टीम बर्बाद हो जाएगी। जिस स्कोर पे पहुंचे उस पर भी नहीं पहुंच पाते। तो आज बाबर पे इल्जाम लगाना मेरे हिसाब से गलत होगा। इल्जाम लगाइए आप पेशावर जलमी की पूरी बैटिंग पे। थोड़ी भाई टीम क्या खेल रही थी, ये शुरुआत में जो सही है भाई वो विकेट गवा गया, आपका यंग टैलेंट आपका कैडमोर ये क्या करके गया, कुछ भी नहीं करके गए ना भाई। वहां पे आपके लिए बाबर आजम ने एटलीस्ट आपकी इज्जत बचा ली, वरना 16.5 ओवर में एटलीस्ट आपका वहां तक गया मैच, वरना वहां तक भी नहीं जाता। जिसका सभी को था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। बाबर आजम ने आज 10,000 T20 रनों का जो है आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया है आखिरकार, और इस पल का हम लोग बेसब्री से जो है वो इंतजार कर रहे थे कि कब बाबर का ना 10,000 रन बनेगा। हालांकि पिछले मैच में सिर्फ 6 रन से बाबर आजम जो है वो रह गए थे, चुक गए थे, और उम्मीद ये थी कि आज के मुकाबले में बाबर आजम जो है 6 रन तो बड़ी आसानी से मार ही लेंगे। 6 रन मारा, न सिर्फ 6 रन मारा बल्कि इस स्पेशल ओकेजन पे जो है बाबर आजम ने 10,000 T20 रन बनाने के अलावा छक्का मार के अपना 50 पूरा किया। पिछले मैच में भी ऐसा किया था, बहुत लंबा छक्का मारा था, और आज भी आगे बढ़ के बाबर आजम ने एक शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला उन्होंने जो है छक्का मारा और अपना 50 पूरा किया। याद रहे कि पेशावर जलमी के लिए बाबर आजम कप्तानी करते हैं, और लंबे समय से हम लोग यही इंतजार कर रहे थे कि बाबर आजम का कब 10,000 रन बनेगा। 10,000 सबसे ज्यादा तेज रन बनाने वाले वो जो है दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले क्रिस गेल के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था, 285 इनिंग का उन्होंने सहारा लिया था T20 में, और उन्होंने 10,000 रनों का मुकाम हासिल किया था। इसके अलावा विराट कोहली का भी नाम आता है, विराट कोहली ने 299 इनिंग्स का सहारा लिया, तब जाके जो उन्होंने 10,000 T20 रन पूरे किए। लेकिन बाबर आजम ने विराट कोहली क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ डाला है, इन दोनों से कम इनिंग का जो है उन्होंने सहारा लिया, 271 इनिंग का जो है बाबर आजम ने सहारा लिया और 10,000 रन उन्होंने पूरे कर लिए हैं। तो बाबर आजम के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, भैया हमने तो केक वगैरह मंगा लिया, उधर रखा हुआ है, और जब केक काटूंगा तो उस पर भी मैं वीडियो बना के जरूर मैं पोस्ट करूंगा। और ये मैंने आपसे वादा भी किया था कि जिस दिन बाबर आजम ने 10,000 रन बनाया एक स्पेशल केक किंग के लिए तो बनता ही बनता है, और किंग ने आज जो है डिलीवर किया है, 10,000 रन पूरे किए और PSL इतिहास में सबसे ज्यादा 50 लगाने का रिकॉर्ड भी जो है बाबर आजम के ही नाम है, एक सेंचुरी उन्होंने लगाई हुई है। कराची किंग्स, कभी कराची किंग्स के लिए बाबर आजम खेला करते थे, और कराची किंग्स को जो है उन्होंने एक ट्रॉफी भी दिलाई हुई थी, और आज उसी कराची किंग्स के खिलाफ जो है बाबर आजम ने यह स्पेशल ये बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। वैसे मैं आपको बता दूं कि बाबर आजम सबसे कम उम्र के वो बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने 10,000 T20 रन पूरे करने का जो है उन्होंने मुकाम हासिल किया। इसके अलावा बाबर आजम जो है बाबर आजम से पहले शोएब मलिक ने 10,000 T20 रन बनाने का जो है आंकड़ा पार किया था, और
टी20 फॉर्मेट में शोएब मलिक के नाम पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड है। 13,000 से ऊपर रन जो है वो बंदा ठोक चुका है, बट कुछ सालों में बाबर आजम जरूर शोएब मलिक को भी जो है वो पीछे छोड़ने वाले हैं।